Hello students of class 7th. Today we will start with our third chapter, that is fiber to fabric. Long ago, human loosed leaves, parts of trees and skin to cover their bodies. पहले क्या होता था कि human beings अपनी body को छुपाने के लिए क्या use करते थे? पत्ते, leaves, bark of trees, ये सब use करते थे. लेकिन आजकल का ज़माना बदल गया है. Most materials from which clothes are made, example cotton, wool, jute and nylon are fibers. तो ज़्यादातर material जिससे कपड़ा बनाया जाता है, जैसे cotton, wool, nylon, ये सारे fiber होते हैं. Leather fiber नहीं है, ये important point है. Cotton, wool, jute, nylon fiber है और leather fiber नहीं है. We use various fibers. Fibers have many uses. They are used for making our clothes, carpets. तो फाइबर्स के कई यूज़ होते हैं और कई चीज़ों के बनाने में काम आता है. फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो फाइबर दो कैटेगरी में बांटा गया है. सबसे पहली कैटेगरी आपकी नेचुरल और दूसरी है आर्टिफिशियल. नाम ही से आप समझ गए होंगे, नेचुरल मतलब जो गॉड गिफ्टेड है और आर्टिफिशियल जो केमिकल से बनाया जाता है. आर्टिफिशियल एग्जांपल क्या होता है? नायलॉन, रेयॉन, ये सारे आर्टिफिशियल है. उसके बाद देखिए वेजिटेबल फाइबर्स क्या होते हैं? दीज इंक्लूड कॉटन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ ऑल टेक्सटाइल एक्सेट्रा. वेजिटेबल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन सेल्यूलोज, द मटीरियल बाय विच नेचर एज अ स्ट्रक्चरल मटीरियल इन प्लांट वर्ल्ड. तो यहाँ पे देखिए वेजिटेबल फाइबर की बात हो रही है. वेजिटेबल फाइबर मतलब वो फाइबर जो सेल्यूलोज को यूज़ करते हैं, जैसे आपके कॉटन. और हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो सेल्यूलोज में फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं सेल्यूलोज. तो यहाँ पे उसी से डिराइव किया गया है कि जो फाइबर्स जैसे कॉटन, ये सारे वेजिटेबल फाइबर है, मतलब ये फाइबर सेल्यूलोज पे बेस्ड हैं. नेक्स्ट इज एनिमल फाइबर्स. These includes wool and other hair fibers like mohair, kashmir. तो ये सारे जैसे wool हो गया आपका, mohair, kashmir, angora, ये सब आपके animal fibers हो गए. तो animal fibers क्या होते हैं? वो fibers जो animals की help से बनते हैं, ठीक है. उसके बाद wool पे आइए. Wool is a common name applied to soft curly fibers obtained chiefly from the flea of domesticated sheep. तो wool कहाँ से obtain होता है? Sheep से, ठीक है. Wool जो होता है वो sheep से obtain होता है. Kashmir wool. कश्मीर वूल इज द फाइनेस्ट वूल, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कश्मीर गोड्स फाउंड इन द कश्मीर रीजन. तो कश्मीर वूल जो है वो कश्मीर से डिराइव किया गया है. कश्मीर में गोड्स होती हैं, उनका नाम होता है कश्मीर, और उसी से हमें वूल मिलता है. ये सबसे फाइन क्वालिटी का वूल होता है. नेक्स्ट देखिए याक वूल. द सॉफ्ट हेयर ऑफ द याक्स फाउंड इन द लद्दाख रीजन एंड टिबेट इज ऑल्सो यूज टू मेक वूल. तो हमने कश्मीर वूल के बारे में पढ़ा, ये कश्मीर गोड्स से आता है. नेक्स्ट है याक वूल. याक वूल भी आपका जो याक होती हैं जो लद्दाख या टिबेट में फाउंड की जाती हैं, उन्हीं से आपका याक वूल आता है. मोहैर आता है, एक मोहैर भी एक वूल है. और वो कहाँ से आता है? अंगोरा गोड से. मोहैर द फ्ली टेकन फ्रॉम अंगोरा गोड्स इज वेरी टफ एंड स्ट्रांग. ये बहुत टफ होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट देखिए अंगोरा वूल. अंगोरा वूल कहाँ से आता है? रैबिट से. Angora wool is obtained from the Angora rabbit, a variety of domestic rabbit breeds for its long soft hair. Next देखिए camel wool. Camel wool is obtained from camel. उसके बाद they are used to make coat, sweater, ropes, ये सब बनाने में मदद करता है. Next आपका wool processing. Wool processing को आप काट दीजिएगा. Characteristics of wool fibers. Wool fibers के characteristics क्या होते हैं? सबसे पहले soft होता है, उसके बाद spongy feeling आती है, ठीक है. वूल क्रिएट्स इंसुलेशन फॉर वेयरर्स एज इट ट्रैप्स द एयर क्लोज टू द स्किन. तो वूल ज़्यादातर विंटर सीजन में यूज होता है. विंटर सीजन में क्यों? क्योंकि वूल की क्वालिटी होती है वो बॉडी को वार्म रखती है, गर्म रखती है बॉडी को. वूल अब्जॉर्ब 30% ऑफ इट्स वेट इन मॉइस्चर विदाउट फीलिंग डैम. 30% ऑफ वेट जो वूल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. वूल कैन बी शेप्ड एंड टेलर्ड मेकिंग इट इनटू पॉपुलर फैब्रिक फॉर टेलरिंग फाइन गारमेंट्स. वूल को हम क्या कर सकते हैं? टेलर्ड अपने मनपसंद तरीके से उसको सिलवा सकते हैं. तो बहुत अच्छा होता है वूल. नेक्स्ट देखिए शीप रेयरिंग. शीप एंड गोट्स आर इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक फॉर इंडिया. शीप रेयरिंग एंड ब्रीडिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल फेमर्स एंड लैंडलेस लेबर. तो शीप रेयरिंग मतलब शीप और गोट को चराते हैं, उसी को हम कहते हैं शीप और गोट रेयरिंग. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें?
फार्मर्स में और लैंडलेस लेबर, जो लेबर होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता है। सिल्क, द यूज़ ऑफ सिल्क एज अ फाइबर ओरिजिनेटेड इन चाइना, तो सिल्क कहाँ पहले फाउंड हुआ, चाइना में। हिस्ट्री क्लेम्स दैट इट इज़ मैंशनड एम्प्रेस श्री हिंग इनकरेज द वेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्न ऑन मलबरी लीव्स एंड द रिंग ऑफ सिल्क वॉर्न वॉज दस ऑब्टेन्ड। तो चाइना में ये ओरिजिन हुआ, उसके बाद वहाँ की जो एम्प्रेस थी श्री लिंग, वो क्या करती थी, इसको इनकरेज करती थी। मोर ओवर शी सपोज टू हैव इन्वेंटेड अ लूम फॉर स्पिनिंग द सिल्क यार्न इनटू क्लोथ, और ये भी माना जाता है कि उसने एक लूम बनाया था ताकि जो सिल्क यार्न है उसको क्लोथ में चेंज हो पाए। ट्रेडिंग इन सिल्क वॉज मोनोपोली फॉर अ चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो चाइना के लिए सिल्क एक मोनोपोली थी। मोनोपोली क्या मतलब, चाइना का कंट्रोल था सिल्क रूट पे, ठीक है, सिल्क पे। द फाइबर रीच अदर पार्ट्स ऑफ द किंगडम आउटसाइड चाइना थ्रू सिल्क रूट, आपने सिल्क रूट का नाम सुना ही होगा, तो सिल्क रूट जो है वो सिल्क से डिराइव है। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सीरीकल्चर, तो जो हम सिल्क वॉर्म को ब्रीड करते हैं सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, सीरीकल्चर। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। द एग्स ऑफ द सिल्क वॉर्म मॉथ आर इनक्यूबेटेड अंटिल दे हैच एंड बिकम वॉर्म्स कॉल्ड लार्वे और कैटरपिलर, तो सिल्क वॉर्म के जो अंडे होते हैं वो उससे क्या होता है कि वॉर्म्स या लार्वे या कैटरपिलर निकलते हैं, ठीक है। द लार्वे आर फेड ऑन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 6 वीक्स, तो जो लार्वा उस एग से निकलता है उसको 6 हफ्तों तक मलबरी लीव्स खिलाई जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ईच लार्वा शेड्स इट्स स्किन 4 टाइम्स, दिस इज कॉल्ड मोल्टिंग, और इसी बीच क्या होता है कि जो लार्वा होते हैं वो अपने स्किन को 4 बार शेड करते हैं, इसी को हम मोल्टिंग कहते हैं। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड दे आर रेडी टू स्पिन देयर ककून्स, एंड में क्या होता है वो अपने ककून्स के लिए रेडी हो जाते हैं। दे क्लाइम इन टू ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड स्टार्ट स्पिनिंग देयर ककून्स, उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद 6 वीक्स के बाद वो अब ककून बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो पेड़ की ब्रांच पर चढ़ के अपना सिल्क को ककून को तैयार करते हैं, और इसी स्टेज को हम कहते हैं पूपा स्टेज। दे टेक अबाउट 8 डेज फॉर द प्रोसेस, और पेज में आप देख रहे होंगे 3.9 में सिल्क ककून बना हुआ है और ये 8 दिन में बनाते हैं। द ककून्स आर देन गैदर्ड एंड बॉइल्ड और हीटेड इन ओवन्स, उसके बाद जो ये ककून होता है उसको हम क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं ओवन में ताकि जो उसके अंदर के इंसेक्ट हैं वो मर जाएँ। द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स बाय अ प्रोसेस एज रीलिंग, तो जो फाइबर ऑब्टेन्ड किया जाता है उसको हम कहते हैं रीलिंग। द रिजल्ट थ्रेड इज कॉल्ड रॉ सिल्क, और इसी के रिजल्ट को हम कहते हैं रॉ सिल्क। इट इज यूज फॉर वीविंग क्लोथ्स एंड कैन बी डाइड इन टू वेरियस कलर्स, इसी को हम सिल्क बनाने में यूज कर सकते हैं और इसको हम कई कलर्स में भी डाल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सिल्क इन ईच कोकून इज स्मॉल and about 5,000 silk worms are required to produce 1 kilogram of raw silk. तो यहाँ पे देखिए 5,500 हमको silk worms चाहिए होते हैं तब हम 1 kg of silk produce कर पाते हैं। Next देखिए silk क्या use है, silk साड़ी material jacket ये सब बनाने में मदद करता है। उसके बाद health hazard भी होते हैं, respiratory disease के chance ज़्यादा होते हैं मतलब सांस लेने के, जैसे अस्थमा हो गया, फिर आपका ब्रॉन्चाइटिस हो गया, ये सब जब वो वर्कर स्मेल करते हैं इनहेल करते हैं तो सारे जो वायरस होते हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं और क्या होता है कि उसी से वो उनके रेस्पिरेटरी डिजीज के चांस बढ़ जाते हैं। सिल्क इन्फेक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट डिपिंग ऑफ स्किन इन बॉइलिंग वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ किलिंग द इंसेक्ट, तो स्किन के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। स्किन इन्फेक्शन कब होते हैं कि जब हम अपने हाथ को उस गर्म पानी में डुबाते हैं ताकि इंसेक्ट्स मर जाएं, उससे हमारे हाथ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर हो गया है, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई विल टेल यू द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स थ्रू टेक्स्ट।